हेलो माय डियर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी का ब्रिंकर टेक्निकल पर। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, तीनों पॉलिटेक्निक के लिए हैं और इनके क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है नौसादर और नमक के पृथक्करण से अलग किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है क्रिस्टल द्वारा, बी ऑप्शन है प्रभाव क्रिस्टलन द्वारा, सी ऑप्शन है ऊर्ध्वपतन द्वारा, और डी ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ऊर्ध्वपतन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 ग्राम प्रति 500 मिली H2SO4 के विलयन की मोलरता होगी। ये ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 मोल, बी ऑप्शन दिया हुआ है m मोल, सी ऑप्शन दिया हुआ 10 मोल, डी ऑप्शन दिया हुआ 0.01 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 0.1 मोल। ओके, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में CH3CH2OOH का IUPAC नाम होगा, क्या नाम होगा? देखिए, तो अगर हम IUPAC नाम निकालें तो किस तरीके से? 1, 2 और 3, तो मैथ, ईथ, प्रोप, और सिंगल वर्ड तो नोइक हो जाएगा, ओ एच लगा है तो नोइक, तो प्रोपो प्रोप पे नाइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन इसका राइट है, तो प्रोपो प्रोपे नोइक अम्ल, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अपचायक अभिक्रिया है, कौन सी अपचायक अभिक्रिया है? देखिए, जो सारणी होती है उसमें Fe सबसे ऊपर होता है, Cl उससे नीचे होता है, तो जाहिर सी बात है Fe Cl2 को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे अपचायक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? इसमें Cl को विस्थापित किया है, इसमें भी Cl को विस्थापित कर दिया है, यस में यस को विस्थापित कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है Fe Cl2 + Cl2 बराबर क्या हो जाएगा? Fe Cl3। ओके, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तुल्यांकी भार का मात्रक होता है, क्या होता है? तुल्यांकी भार का मात्रक ग्राम, किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? देखिए, तुल्यांकी भार जो होता है उसका मात्रक होता है मोल, तो इसमें मोल कहीं पर भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका राइट है। ओके, सी ऑप्शन इसका डी ऑप्शन राइट है, कुछ नहीं होता है इसमें, इनमें से कोई नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6, कोबाल्ट 60 सम स्थानिक का प्रयोग निम्नलिखित के उपचार में होता है, हृदय रोग के, चर्म रोग के, मधु रोग के, कैंसर के। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए, हृदय रोग के, बी ऑप्शन है चर्म रोग के, सी ऑप्शन है मधु रोग के, डी ऑप्शन है कैंसर के। तो इसका राइट आंसर है कैंसर के। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसमें विद्युत संयोजी बांड, सहसंयोजी बांड और उप सहसंयोजी बांधो बांध तीनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ SO3, बी ऑप्शन दिया हुआ NaOH, सी ऑप्शन दिया हुआ है Na2OH4, डी ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट है N2SO4। क्वेश्चन नंबर 8, H2S में 95.49% सल्फर है, एक SO2 में 50% ऑक्सीजन है तथा जल में 11.11% हाइड्रोजन है, यह कथन पालन करता है। द्रव ऑप्शन दिया हुआ है द्रव संरक्षण नियम पर, बी ऑप्शन दिया हुआ व्युत्क्रम अनुपात के नियम को, सी ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर अनुपात का नियम, डी ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में सबसे दुर्बल अम्ल है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, क्रम दिया हुआ है सबसे दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा है,